हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं डायल पैड ट्यून को हम कैसे इनेबल कर सकते हैं, यानी कि ऑन कर सकते हैं, और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास ये रेडमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे और सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको इसके ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और साउंड एंड वाइब्रेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको इसके ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको दिखा रहा है डायल पैड ट्यून, तो राइट साइड से हम इसको इनेबल कर लेंगे, यानी कि ऑन कर देंगे। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपने डायल पैड पर जाएंगे और कोई भी नंबर डायल करेंगे तो उस पर एक साउंड आएगी। ये देखिए, साउंड आ रही है, इसको बोलते हैं डायल पैड ट्यून। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।